स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट वन वीडियो चैप्टर का पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। याद दिया हुआ है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल टू जीरो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण कहलाता है। समझ गए, यानी कि इक्वेशन जो होता है द्विघात समीकरण वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है और ये ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है जो इस समीकरण के लिए, ये जो ए बी सी है इस समीकरण के लिए क्या कहलाती है, तो इस समीकरण के लिए गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणांक के नाम से जानते हैं इनको, कोफिशियंट कहा जाता है, कोफिशियंट। ठीक है, इनको कोफिशियंट कहा जाता है। समझ गए, ये ए जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, बी जो होगा एक्स का गुणांक होगा और सी जो होगा क्या होगा, अचर होगा। समझ गए, तो ये इस तरह का जो समीकरण होता है वह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है क्योंकि इसका दो घात है, देख रहा है ना, इसलिए इसको द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक हो सकता है, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ये भी तो है द्विघात। या ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बराबर जीरो, ये भी द्विघात है क्योंकि इसमें बी का गुणांक जीरो होने के कारण है ना एक्स वाला टर्म नहीं है, देख रहा है ना। अच्छा, तीसरा ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स बराबर जीरो, ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो ये सब द्विघात समीकरण के उदाहरण हो गए। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल के बारे में यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो यहां मैं इस तरह से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक्स का वह मान जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का मूल कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से एक समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, हम कहें कि एक्स बराबर माइनस दो इसका मूल है, तो आपको क्या करना होगा, ये माइनस दो रख के देख लीजिए, यहाँ पे माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस दो प्लस छः बराबर जीरो। यहाँ से देखिए माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का चार, ये माइनस का दस प्लस का छः, देखिए तो यहाँ भी छः चार दस और दस में से दस गया जीरो, यानी कि यहाँ से आ रहा है जीरो बराबर जीरो। तो ये एक्स का जो मान जो माइनस टू है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एक्स बराबर माइनस दो क्या है, इसका मूल कहलाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक दो मूल होते हैं, कितने मूल होते हैं, दो मूल होते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, आप पहले ये सब चीज टेंथ में भी पढ़े होंगे, हम दोबारा यहाँ से आपको बता रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल निकालने की विधि के बारे में। तो पहली विधि होती थी आपको गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा बनाया जाता था। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या होता है और इसमें किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, तो गुणनखंड विधि में होता था, आपको याद होना चाहिए कि इसके इसके गुणा करने पर, देखिए इसको इसको गुणा करिएगा तो क्या आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर। आपको बीच वाले टर्म को ऐसे दो भाग में करना है कि गुणा करने पर इसके गुणन ये आ जाए और उसको सॉल्व करने पे प्लस या माइनस जो भी साइन आएगा उसके हिसाब से सॉल्व करने पे फाइव एक्स आ जाए। कहने का मतलब कि इसको दो पार्ट में तोड़ना था और ऐसे दो पार्ट होने चाहिए जिसको फिर आपको गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर यानी कि इतना आ जाए। तो देखिए अगर आप दो एक्स और प्लस तीन एक्स ले लें तो देखिए दो तीन पाँच हो जाएगा जोड़ने पे और गुणा करने पे छः एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो ये गुणनखंड विधि आप आसानी से जानते हैं। इसके बाद एक्स को कॉमन करते थे, यहाँ एक्स प्लस टू प्लस थ्री कॉमन करते थे एक्स प्लस टू, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो एक्स प्लस टू को बाहर निकाल दिए
और x प्लस थ्री बच गया बराबर में जीरो। इसके बाद आप इसको अलग अलग कर देते थे, x प्लस टू बराबर जीरो और x प्लस थ्री बराबर जीरो। यहाँ से x का मान आपका माइनस टू आ जाता था और यहाँ x का मान माइनस थ्री आ जाता था, ठीक है। तो ये सब टेंथ क्लास में आप बना चुके हैं। अब एक और विधि से बनाते थे लोग, इस जब गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग एक विधि बनाते थे पूर्ण वर्ग विधि, उस विधि को बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो पहले इस मेथड को समझ लेते हैं क्या होता है मेथड, ठीक है, बाद में इसको क्वेश्चन देखा जाएगा इस पे। देखिए आपके पास एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे यहाँ से x का मान निकालेंगे, उस विधि को पहले समझ लेते हैं, वो विधि किस तरह से होगी। वो गुणनखंड तो आप पहले पढ़ चुके हैं ना, ये भी पढ़े हुए हैं लेकिन फिर दोबारा देख लीजिए। आपको करना क्या होता है कि पहले एक्स स्क्वायर को अकेले करना होगा, तो आप लिखेंगे कि a से भाग देने पर, ठीक है। कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर साथ कोई भी अंक रहेगा, दो चार छः कोई भी आपकी वास्तविक संख्या होगी उसमें सबसे भाग कर देंगे। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बट्टा ए बी एक्स बट्टा ए सी बट्टा ए और बराबर में जीरो बट्टा ए। चलिए ये कट जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए और प्लस सी बट्टा ए बराबर में जीरो, जीरो बट्टा ए तो जीरो ही होगा ना। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बट्टा ए इसको उधर लेके चल जाते हैं तो माइनस का सी बट्टा ए हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ हमें आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए कि एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये प्लस में है, ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसको टू ए बी के फॉर्म में बदलना है, तो टू इंटू ए के जगह तो एक्स है ना, और बी के जगह जो बच गया उसको लिख दीजिए बी बटा टू ए लिखना होगा। अब नीचे टू क्यों लगाया है, क्योंकि ऊपर गुना में दिया है ना, ताकि इसको काटिएगा तो फिर आपका वापस वही आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो दिया हुआ उसको टू ए बी के फॉर्म बदलना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि ए की जगह काम कर रहा है प्लस टू इंटू ए की जगह आ गया और बी के जगह जो यहाँ बच जाएगा तो बी बाई ए तो लिखेंगे ही लेकिन टू भी देंगे गुना में, ताकि ये बैलेंस हो जाए, ताकि काटे तो वापस वाला टर्म आ जाएगा। यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू ये पूरा बी हुआ, तो प्लस बी स्क्वायर जोड़ना होगा। अब देखिए अगर यहाँ ये जोड़े हैं तो बराबर के उधर भी जोड़ेंगे, ये बराबर के उधर भी प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में सी बट्टा ए जो है यहाँ आ गया, समझ गए। दोनों तरफ जोड़ना होगा ताकि बैलेंस हो जाए ना, ये इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर को उधर देखिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में फोर ए स्क्वायर माइनस सी बट्टा ए। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस बी बट्टा टू ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ एलसीएम लीजिए फोर ए स्क्वायर, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा ना, तो एक्स प्लस बी बट्टा टू ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में फोर ए स्क्वायर और प्लस माइनस तो लगना ही है। चलिए अगले स्टेप में देखिए एक्स बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं माइनस का बी बट्टा टू ए प्लस माइनस, इसको रूट में करिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये देखिए नीचे चार दो का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यानी कि यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, टू ए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यहाँ से ये एक्स का मान निकल गया ना। चलिए तो इस तरह से हमें निकालना होगा क्वेश्चंस में, तो ये पूर्ण वर्ग विधि होती है, समझ गए। अब इसमें एक और चीज का आपको ख्याल रखना होगा, यहाँ ध्यान से देखिए एक्स बराबर जो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू है ना, तो इसको हम लोग द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते थे, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहा जाता था टेंथ क्लास में, याद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्मूला। चलिए ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये सब जितना भी बता रहे हैं ये आपको टेंथ से ही रिलेटेड है, अभी इलेवेंथ का जो मेन टॉपिक है ना वो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी हम लोग टेंथ का ही ये रिवाइज कर रहे हैं, समझ गए। तो यहां से आपको एक्स का दो मान मिला ना, एक्स बराबर माइनस बी, एक आया माइनस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी,
और बट्टा में टू है ना, एक आ गया है x बराबर माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा टू है। एक ही चीज याद होना चाहिए आपको कि एक पढ़े थे कि द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए होता था। किसी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए, इसके लिए है ना। चलिए तो हम लोग अगर आपसे बात करें, हम लोग मान लेते कि माना द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, यानी कि एक हो गया अल्फा है ना माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए, और एक हो गया बीटा जो कि है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए। चलिए अब यहां से आपको वो संबंध हम लोग दर्शा रहे हैं, आप यहां से चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करके देख सकते हैं, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना और बट्टा में टू ए प्लस माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए। आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी ये शून्यकों का योग ना है, क्योंकि आपके शून्यक कौन है अल्फा और बीटा है। चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, टू ए माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, और फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी प्लस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये देखिए ये दोनों तो कट जाएगा ना, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस टू बी हो जाएगा और बट्टा में टू ए, ये कट गया ना, तो माइनस बी बाई ए। यानी कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि शून्यकों का जो योग होगा है ना वो माइनस बी, यानी माइनस बी क्या है तो बी था आपका एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या था वो एक्स स्क्वायर का ना गुणांक था, शुरू में आपको दिखाए थे। चलिए तो ये समझ गए। अच्छा दूसरा संबंध आप ये भी जानते होंगे कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है, सुने थे ना आप लोग। चलिए टेंथ क्लास में तो यहां से निकाल सकते हैं, माइनस अल्फा का वैल्यू रखेंगे और बीटा का वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए, फिर इंटू में है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में टू ए। चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ गुना करिए, देखिए एक बार यहाँ बीच में माइनस है एक बार यहाँ प्लस है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, ये ना होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए दो दो कितना आ जाएगा चार ए स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर देखिए बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट हटा दीजिए, तो ये माइनस का बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस फोर ए सी और बट्टा में फोर ए स्क्वायर, देखिए ये बी स्क्वायर कट जाएगा ना, तो फोर ए सी और बट्टा में फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ काटिए एक ए से कटा और फोर से फोर कटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ गया, समझ रहे हैं ना। तो सी आपका क्या था, वहां अचर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यानी अचर और बट्टा में ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां से ये आपका संबंध भी स्थापित हो गया, शून्यक के योग और शून्यकों के गुणनफल के संबंध भी हम लोग यहाँ से स्थापित कर दिए, समझ गए। तो ये आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण की बात हो रही है का विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विवेचक को हम लोग विविक्तकर के नाम से भी जानते हैं, विविक्तकर, ठीक है, विविक्तकर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग विविक्तकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, विवेचक कहा जाता है, और इसे साधारणतः हम लोग डी से सूचित करते हैं या डेल्टा से, यानी कि डी या डेल्टा बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, अभी हम एक देखे थे द्विघात सूत्र, अभी याद है ना आपको द्विघात सूत्र देखे थे, उसमें आप लिखे थे कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बट्टा में टू ए। तो अब क्या आप यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा टू ए, क्योंकि d का मान क्या आया है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो ये भी आपका द्विघात सूत्र के रूप में ऐसे हो सकता है, समझ गए।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि वर्ग समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, समझ गए। चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। नेचर क्या होगा, तो इसमें तीन कंडीशंस आती हैं और तीनों कंडीशंस को बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। ये आप 10th क्लास में भी देखे होंगे, है ना, लेकिन अब यहीं से 11th का टॉपिक राइज करेगा, तो चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं। हम लोग यहां लिख सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण ax2 + bx + c बराबर जीरो के लिए एक नंबर, यदि b² - 4ac का मान जीरो से बड़ा हो, या यूं कहें तो d का मान जीरो से बड़ा हो, विवेचक का मान जीरो से बड़ा हो, ये क्या कह रहा है, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। चलिए ये चीज आपको याद रखना है। तो ये आप 10वां क्लास में भी देखे थे कि अगर b² - 4ac का मान जीरो से बड़ा होगा तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, क्योंकि आपको द्विघात सूत्र में बताया गया है x बड़ा होता है -b + √(b²-4ac/2a), यानी कि इसके रूट के अंदर और धनात्मक आ जाएगा तो उसके मूल तो वास्तविक होंगे ना, रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया तो जीरो से बड़ा का मतलब ही ना पॉजिटिव, तो जीरो से बड़ा आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और असमान भी होंगे, क्योंकि यहाँ वास्तविक मान आएगा, रूट के अंदर कुछ भी मान आएगा, √5 है √3 है जो भी है, तो उसमें ये एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो अलग अलग दो भिन्न मान निकलेंगे ना, तो वही कह रहा है कि इसके मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, ठीक है। दूसरा, यदि b² - 4ac का मान जीरो आ जाए, है ना, यानी कहने का मतलब कि d का मान जीरो हो जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे, क्योंकि यहां देखिए जब यहां जीरो आ जाएगा तो अगर यहाँ पे इस b² - 4ac का मान जीरो हो गया तो आप जीरो को जोड़ेंगे माइनस बी में या घटाएंगे, मान तो समान ही आएगा ना, तो मूल तो वास्तविक आएंगे लेकिन समान आएंगे, ठीक है। तीसरा, यदि b² - 4ac का मान जीरो से छोटा हो, ठीक है, जीरो से छोटा हो यानी कि d का मान जीरो से छोटा हो, तो याद है आपको अत्यंत में लिखते थे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता था, लेकिन अब यहां लिखेंगे तो दो काल्पनिक मूल होंगे, है ना, दो काल्पनिक मूल होंगे और ये भी क्या होंगे, असमान लिख देंगे, तो लिख सकते हैं दो काल्पनिक मूल तथा असमान होंगे, ठीक है, दो काल्पनिक मूल होंगे और असमान, तो इसीलिए लिखते थे 10th क्लास में कि अगर काल्पनिक मूल होंगे तो उस समय तो आप काल्पनिक संख्या के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानते थे, 10वां क्लास में तो नहीं जानते थे ना, इसीलिए हम लोग उस समय लिखते थे कि कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है, लेकिन यहां आपको पता हो गया कि काल्पनिक मूल तथा असमान होंगे, तो यहां दो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल होना ही है, ठीक है, तो काल्पनिक मूल तथा असमान होंगे, समझ गए, काल्पनिक मूल होगा और असमान होगा, ठीक है। कहने के तात्पर्य है कि अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा तो उसके लिए आप आयोटा लगाते हैं ना, तो काल्पनिक ना हो जाती है। चलिए तो इस चीज को समझते हैं। अब आपको आपकी एक्सरसाइज में तीसरे कंडीशन पे ही सारे क्वेश्चन होंगे, थर्ड कंडीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, A to Z जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में डी का मान यानी विवेचक का मान आपका माइनस में ही आएगा, ठीक है, यानी कि उसका काल्पनिक मूल ही निकलेंगे, ठीक है। आप क्लास 10th में वास्तविक निकालते थे या फिर जीरो आता था डी का मान या जीरो से बड़ा आता था, लेकिन यह हमेशा माइनस में ही आएगा, तो समझिए इस चीज को, अब समझिए ये तीसरा ही चीज होगा, इसमें क्या होगा कि मूल हमेशा काल्पनिक आएगा, तो काल्पनिक आएगा इमेजनरी आएगा तब क्या होगा, हम लोग किस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे उसके बारे में समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको ये पता चल गया कि d का मान जीरो से छोटा होगा, या ऐसे कहें
कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो से छोटा होगा। केस थ्री में ही ना था, केस थर्ड अभी जो देखे ही ना था, तो जीरो से छोटा होगा। तब आप x बराबर कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला, तो x बराबर आप यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए क्या होगा, एक काम करते हैं इसको समझने के लिए, देखिए माइनस फोर ए सी को यहां करते हैं और प्लस का बी स्क्वायर यहां करते हैं और बट्टा में टू ए। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में टू ए। चलिए माइनस आ गया रूट के अंदर ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर आयोटा और बट्टा में टू ए। तो अब हम लोग द्विघात सूत्र अब ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि आपका मूल जो आएगा डी का मान जो आएगा ना, डी का मान आपका माइनस में आएगा, इसलिए हम लोग अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, शुरू में जो क्वेश्चन दिए निम्नलिखित समीकरणों का हल गुणनखंड विधि द्वारा करना है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, दिया है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर जीरो। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, सिंपल तरीका समझिए, इस तरह के जब रहता है क्वेश्चन तो इसको उधर भेजते हैं माइनस में और इसको भेजते हैं भाग में, ठीक है, और स्क्वायर जाकर उधर रूट लगता है ना, और रूट लगेगा तो प्लस माइनस दोनों लगेगा। देखिए यहाँ आ गया ना रूट के अंदर माइनस में, चलिए तो ये हमेशा यही आएगा ही, रूट थ्री बाई टू आयोटा हो जाएगा, समझ गए ना यहाँ से आंसर। अब देखिए दूसरी विधि क्या लगा सकते हैं इसी को, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बराबर जीरो दिया है, इसमें एक काम करिए आप लिख दीजिए इसको रूट टू एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है, और यहाँ पे माइनस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर। देखिए आई का स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस में प्लस नहीं हो जाएगा, चलिए तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो एक बार प्लस में दे दीजिए, ठीक है, और एक बार इसी को माइनस में दे दीजिए, समझ गए ना। अब अलग अलग कर दीजिए यहां से, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन पहला वाला ज्यादा इजी रहेगा, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री आई बराबर जीरो, यहाँ आया रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री आई बराबर जीरो, तो यहाँ से रूट टू एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का रूट थ्री आई, है ना, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का रूट थ्री आई बटा टू, और यहाँ उसी तरह से रूट टू एक्स बराबर लिखिएगा प्लस का रूट थ्री आई बाई टू और एक्स बराबर आ जाएगा रूट थ्री आई बाई टू, यानी कि आ गया ना प्लस माइनस में, देखना ना एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों तरीका है जिससे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक दो बनाएंगे तो आपको बनने लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, गुणनखंड विधि से बनाना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस टू इंटू, यहाँ ए के जगह एक्स रख देते हैं और बी के जगह वन बाई टू रखेंगे, तभी काटने के बाद फिर आपका एक्स आ जाएगा, समझ गया ना, तो ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर जोड़ देंगे और फिर प्लस वन को देके फिर एक बार घटा भी देंगे, समझ गए ना, बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी पे तोड़े हैं और देखिए दो से गुना किए दो से भाग किए, इसलिए यहाँ इसका स्क्वायर जोड़े हैं तो एक बार घटाए भी है, ताकि यहाँ से यहाँ फॉर्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना, और इसलिए यहाँ जब जोड़े हैं तो एक बार आपको घटाना पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए वन है और फिर वन बाई फोर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वन बाई फोर आ जाएगा ना, इनको एलसीएम लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिखिए x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लेंगे फोर फोर माइनस वन। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, आ गया ना, यहाँ पे वही अब करना होगा, x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाई टू आई का होल स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, यहाँ इसका माइनस वन तो माइनस प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और दो का स्क्वायर चार हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए तो अब ये स्क्वायर में है दोनों, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में होगा ना, तो एक्स प्लस वन बाई टू माइनस का रूट थ्री बाई टू आई और एक बार हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू और प्लस का रूट थ्री बाई टू आई। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, समझ गए ना। चलिए तो ये भी पूर्ण वर्ग विधि जैसा ही काम हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे भी इसको अलग अलग कर दिए
रूट थ्री बाई टू आई बराबर जीरो। चलिए इन दोनों को उधर भेज देते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आई, और ऐसा हो जाएगा एक्स बराबर माइनस का वन बाई टू माइनस का रूट थ्री बाई टू आई। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आई, समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इसमें का तीन नंबर देखते हैं, दो चार क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपसे बनने लगेगा इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो दिया है, ए स्क्वायर प्लस टू एक्स को टू इंटू ए इंटू बी वन कर देंगे, ए का स्क्वायर जोड़ लेंगे और फिर एक का स्क्वायर पांच में से ऐसे माइनस कर देंगे, समझ गए ना, हर एक क्वेश्चन में यही करना है। ए स्क्वायर इसको टू ए बी के फॉर्म में तोड़ दिए और प्लस बी का स्क्वायर यहाँ जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहां से यहां तक, है ना, बच गया पांच और वन का स्क्वायर वन। चलिए तो x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में चार हो जाएगा ना। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू आई का होल स्क्वायर, समझ रहे ना, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये प्लस आ जाएगा, तब ये आ गया एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, समझ गया, तो x प्लस वन माइनस टू आई और x प्लस वन प्लस टू आई, अब यहां से अलग अलग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दो। चलिए तो ये बहुत इजी लग रहा है ना, एक्स प्लस वन माइनस टू आई बराबर जीरो और एक्स प्लस वन प्लस टू आई बराबर जीरो, तो यहाँ एक्स बराबर आएगा माइनस का वन प्लस का टू आई, यहाँ आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का वन माइनस का टू आई, यानी कि एक्स बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन प्लस माइनस टू आई, क्लियर है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं आप जो है ना, यहाँ के बाद ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर में उधर ले जाइए माइनस का चार, स्क्वायर उधर ले जाइए, रूट लग जाएगा प्लस माइनस भी लगेगा, x प्लस वन बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका कितना, तो चार तो दो का रूट होता है ना, तो इसको टू और आई लगाएंगे क्योंकि माइनस में है अंदर। चलिए तो वन को उधर भेजिए तो माइनस का वन प्लस माइनस टू आई, देखिए तो ये भी कितना सिंपल बन जा रहा है, इसके बाद गुणनखंड का है ना, तो ये वाला सही रहेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग विधि में आ जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी गुणनखंड है ना, शुरू में तो गुणनखंड ही किया है उसके बाद ना पूर्ण वर्ग लगा रहे हैं, तो आपको क्लियर है इसमें बाकी सब क्वेश्चन। आप चार नंबर का हिंट भी देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस सात बराबर जीरो दिया है, आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, बी की जगह टू आ जाएगा तभी ना टू टू जब फोर होगा, तो दो का स्क्वायर जोड़ेंगे एक बार दो का स्क्वायर घटाएंगे, सिंपल है। इसके बाद तो आप बना सकते हैं x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ सात में से चार जाएगा तीन, इसके आगे बनाइएगा ना, बन जाएगा ना इसके आगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री आई का होल स्क्वायर, एक बार माइनस प्लस में करिएगा। उसी तरह छह नंबर का भी आप हिंट ले सकते हैं, ठीक है, आपको छह नंबर का हिंट यहाँ पे दे सकते हैं, इसको आप करिएगा तीन एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए यानी कि थ्री एक्स, तीन दूना छह, छह दूना बारह, फिर इंटू में दो देंगे, दो का स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार बीस में से दो का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा थ्री एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बीस में से चार घटाएंगे सोलह, अब इसके आगे तो आप बना ही सकते हैं, तो ये आपको बन जाएगा यहाँ तक, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे हम लोग। इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, पर इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट के लिंक, अदर चैप्टर के लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस और प्लीज वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं और जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर किया करें, और अभी आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों से भी बोले कि चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। धन्यवाद।